आलस्य से और चुप बैठने से लड़ाई नहीं लड़ी जाती। सबसे पहले मैं एक नारा देना चाहता हूं ताकि आपके अंदर एक ऐसा जोश जाए जिससे भारत सरकार ही नहीं, दलित और पिछड़े कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उत्तर से दक्षिण तक, अटक से कटक तक, उस आखिरी दलित तक भी आपकी आवाज जानी चाहिए कि आज सामाजिक न्याय के योद्धा उदित राज के नेतृत्व के अंदर डीएमओ का एक ही मतलब है, आज भारत देश के अंदर दलित और पिछड़े और मुस्लिम भाइयों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए ये डीएओएम का गठन किया गया है। इसके लिए मैं अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब का और प्रविंदर का हार्दिक धन्यवाद देता हूं। साथियों, आज भारत वर्ष दलित और पिछड़ों के हक की लड़ाई लड़ने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए और जो देश के अंदर दलितों पर अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाने के लिए अगर आप लोगों ने डीएओएम को कश्मीर से कन्याकुमारी तक हर दलित और पिछड़े तक पहुंचाने का काम किया तो मैं आपको वादा करता हूं 2019 से पहले 18 के अंदर इस देश के अंदर ऐसी एक क्रांति आएगी, 85% दलित पिछड़ा एकता का नारा होगा और हमारा आरक्षण भी बचेगा और हमारा संविधान भी बचेगा। आज संविधान भी खतरे में है, आरक्षण भी खतरे में है, दलित के ऊपर अत्याचार हो रहा है और जो दलित भाई उस अत्याचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता है उसके ऊपर धारा लगाकर बंद कर दिया जाता है। ये कानून न्याय है। आज संविधान के अंदर लालू यादव ने दलित पिछड़ों की आवाज उठाई, दलित पिछड़ों का आवाज देने का काम किया, उसको अंदर कर दिया और जो 16,000 करोड़ रुपए लेकर यहां से देश से फरार हो जाता है उसको कोई भी पकड़ने वाला नहीं है। आज जरूरत है दलित और पिछड़ों को एकता में बांधने का, संगठित करने का, शिक्षित करने का। बाबा साहब का एक ही नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, जागरूक बनो और अपने हक की लड़ाई लड़ो। आज बाबा साहब के संविधान को बचाना है और बाबा साहब के जो अधूरे काम है अगर आप बाबा साहब के अनुयायी हो और बाबा साहब को मानते हो तो आज निर्णय ले लो। डीओएम एक डीएनए होता है जिसे पता चलता है असली है नकली है। अगर इस डीओएम को आपने काम गांव तक पहुंचा दिया तो समझ लेना इस देश के अंदर 2019 में ऐसी क्रांति आएगी और ये एक संगठन और पतन के रूप में जो हमारे बड़े भाई सुरेश यादव जी ने कहा, सब बीमारियों की एक ही दवाई है संगठन और पतन। जब 2.5 करोड़ जन समाज रोड पर निकल कर आरक्षण देने लगता है, जब 1.5 करोड़ पतन 5 लाख की भीड़ इकट्ठी करके सरकार को चुका सकता है, जब 2.5 करोड़ गुज्जर रोड रेल रोक कर आरक्षण दे सकते हैं, जब मराठा दे सकते हैं, तो 85 करोड़ अगर रोड पर निकल गए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अटक से कटक तक, दक्षिण से पश्चिम तक रोड पर सिर्फ दलित और पिछड़ों के ही लोग नजर आएंगे। इस कुंभी में ही सरकार, डॉक्टर साहब ने कहा राजनीति की बात नहीं करना, लेकिन डॉक्टर साहब इसके बगैर दलित और पिछड़ों का उद्धार भी नहीं है। हम आपको सांसद नहीं, हम आपको पार्लियामेंट में नहीं, हम आपको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। क्या आप तो देखना चाहते हैं पीएम के रूप में? तो पीएम के रूप में देखने के लिए आज मां के पेट से सीएम पीएम पैदा नहीं होता है, मत पेटी से पैदा होता है। जिसका संगठन होगा, जिसके ज्यादा बटन दबेंगे उस पेटी से जिसके मत निकलेंगे वही सीएम और पीएम पैदा होंगे। क्या आप लोग चाहते हो कि दलित और पिछड़ों पर अत्याचार बंद हो? क्या आप चाहते हो आरक्षण बचा रहे? तो 15% जो 85% नौकरी हो, न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, अगर आधार पीआई लगाकर निकाल कर देख लीजिए आपको जो आरक्षण मिला डॉक्टर साहब ने ठीक कहा, आज तक तो हम उसको भी नहीं ले पाए और
85% के अंदर उस 15% में हर डिपार्टमेंट में चाहे राजनीति हो चाहे न्यायपालिका हो चाहे कार्यपालिका हो हर जगह वो बैठे हुए हैं। इसीलिए जब दलित और पिछड़ों का केस जाता है कोर्ट के अंदर ना कोई सुनवाई ना कोई गवाही और तुरंत उसको 6 साल के लिए जेल भेज दिया जाता है। तो साथियों मेरा इतना ही कहना है डॉक्टर साहब ने कहा इसके लिए क्या करेंगे, मैं अखिल भारतीय वंशी महासभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मेरा 15 स्टेटों के अंदर ये संगठन काम कर रहा है, अनेकों लड़ाई लड़ रहा है, सुदेश भाई के सदस्य में हम काफी सालों से इस काम को करने लगे हैं। अगर आपके डीएम को मजबूत करने के लिए यदुवंशी महासभा का देश का यादव समाज कश्मीर से कन्याकुमारी तक जो 26 करोड़ के अंदर फंसा हुआ है, मैं पुराना भी तो नहीं कहता लेकिन अपने अपना वादा करता हूँ आपसे, जहाँ आपका पसीना बहेगा दलित का पसीना बहेगा वो यादव समाज फूल पाने के लिए तैयार है। जय भीम जय बाबा साहब।